डेफिनेटली मैं क्या ना ओदी मूवी दो बार देखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनी शाडी एक्स। कैसे हैं जी? मेरे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी, कल की मूवी आ चुकी है सिनेमाज में, बड़ी स्क्रीन पे लोगों ने देख ली है, और इसके क्या रिव्यूज हैं आज हम वो देखेंगे। जो इसका फर्स्ट शो था उसका रिव्यू हम जो है देख रहे हैं कि ऑडियंस क्या कहती है, क्योंकि जो बात ऑडियंस कहती है वही सच होती है। और वैसे मैंने रिएक्शंस जो है देखे हैं, बहुत सारे जो है लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं कि मूवी बहुत अच्छी है। और मैंने ये सुना है कि उसका फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, फिर थोड़ी सी वो स्लो थी, यानी कि उनको ये लगता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड था वो जी बहुत ज़बरदस्त था। मतलब वो ऐसी मूवी जो है बनाई उन्होंने कि वो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी, तो जो मैंने सुना। ठीक है, तो आप लोग जो है बताइएगा, आप लोगों ने अगर ये देख ली है तो ये आपको जो है कैसी लगी, पैसा वसूल है कि नहीं, क्या अच्छा है क्या क्या अच्छा नहीं है। अगर मैंने इसको देख लिया और हमारे पास ये आ गई तो मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो भी दूंगी। ठीक है जी, तो पहले जी देख लेते हैं हम कल की 2898 AD पब्लिक रिव्यू। ठीक है जी, और ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट शो, और जो चैनल है उसका नाम है पंजाबी ठिकाना। तो चलें जी देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। Let's go. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मूवी है, वेरी नाइस मूवी। आउट ऑफ 5 फ्रॉम यस, पूरे बात पूरे दी, एंड वन वर्ड फॉर प्रभास, ऑसम, सुपर्ब, एक्सीलेंट, फॉर प्रभास एक्शन, सुपर्ब, यस, एक्शन, फुल ऑफ एक्शन, हिज परफॉर्मेंस, उसकी प्रेजेंस ही काफी है। दीपिका इज लाइक वाओ, नो वर्ड फॉर दीपिका। ऑडियंस को क्या कहेंगे कल की को देखने के लिए? यस, टू वॉच, वर्थ वॉचिंग। दीदी बहुत बढ़िया लगी मूवी, जी एंजॉयड अ लॉट। हां जी दीदी, बहुत बढ़िया लगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है ना मूवी, डिफरेंट स्टोरी है, नाइस मूवी, 5 स्टार। शुक्रिया जी, शुक्रिया। प्रभास दी एक्टिंग ले की कहोगे? प्रभास दी एक्टिंग लाजवाब। एक्शन कितना था उन्होंने लगा कि वो फुल फ्लैश फंटास लगता ऑडियंस को कल की लगी। डेफिनेटली मैं क्या ना ओदी मूवी दो बार देखनी चाहिए थी, दो बार देखनी चाहिए क्योंकि प्रभास ने वन वर्ड कहना हो रही है। वेरी गुड प्रभास, आई लव यू प्रभास। ने मूवी काफ़ी अच्छी है, जैसा सोच के आए थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी इन्जॉय किया सारी फैमिली ने, बच्चों ने, वाइफ ने कहा, और हमने, मैंने खुद काफ़ी इन्जॉय किया फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बड़ी अच्छी मूवी है, इन्जॉय किया, काफ़ी इन्जॉय किया। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा एक बार होर देखा इन आके मूवी एक्टिंग ने, वो तो सुपर स्टार हैं जेडे बंदे ने, एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, बॉडी काफ़ी अच्छी है, फाइट काफ़ी अच्छी। कल की देखी है, यूनिक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लिया गया है, महाभारत और फ्यूचर का पूरा इंटरमिक्स करके दिया गया है। स्पेशली मुझे अश्वत्थामा जो अमिताभ जी का किरदार है वो बहुत ही यूनिक लगा, कि जो मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ही अश्विन नागर जी जो बहुत ही अच्छा किरदार डाला, और वन वर्ड फॉर प्रभास, बाहुबली। अच्छी थी, मुझे अमिताभ बच्चन की एंट्री इसमें ज्यादा अच्छी लगी की, और दीपिका पादुकोण और भी हीरोइन थे, देखने वाली एक्शन कैसे रहता है प्रभास? प्रभास से तो उसमें रहेगा ही एक्शन, ही तो बोल दिया अच्छा सुपरस्टार। सबकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, लगता है ऑडियंस को देख लेनी चाहिए कल की। जी हाँ, जरूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। वन वर्ड फॉर प्रभास, ही इज माय क्रश आल्सो, सो थैंक यू सो मच। बड़ा मजा है, चंगा लगा, बड़ा मजा है। मतलब इतना दे कांसेप्ट होने चाहिए थे। हां बिल्कुल होने चाहिए थे, ठीक है ना। एक्टिंग की गल करिए, एक्टिंग एक्टिंग बड़ी बढ़िया है, बड़ा वधिया दिखाया इन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी वो सीन है, बड़ा बहुत चंगा लगा होवे। हाँ नहीं, बड़ा चंगा लगे देख के, हाँ बड़ा वधिया लगे देख के। ते प्रभास दी एक्टिंग किवें देख रहे? बड़ी वधिया सी, बड़ी वधिया सी। एंड इट वाज अ वेरी गुड मूवी, एंड इट वाज अ मोटिवेशनल मूवी आल्सो। लगता ऑडियंस को आना चाहिए देखने? यस डेफिनेटली दे शुड, इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय प्रभास, इज आई थिंक अ वेरी एक्शनल एंड वेरी ही हैज अ एबिलिटी टू show and he also has a ability to describe all the characters very well. बहुत अच्छी मूवी, अच्छी है, प्रभास दा भी अच्छी है, और अमिताभ बच्चन दी भी अच्छी है, बहुत धमाल एक्शन लेगी।
बहुत वधिया है, एक्शन मूवी है, सबनों देखनी चाहिए थी। एक्शन की कहोगे प्रभास ली वन वर्ड प्रभास टॉप ऑफ द वर्ल्ड अच्छी है मूवी लगता है ऑडियंस को देखनी चाहिए। हाँ जी देखनी चाहिए थी, बहुत अच्छी मूवी। पंच टू रेट अमिताभ जी बहुत वधिया फेवरेट है मैम। सर दीपिका लेके स्माइल ही है। नहीं ये थोड़ा सीक्रेट अंदर सीक्रेट आया देख के रिव्यू और मुझे लगता था ज्यादातर लोग जो है पंजाबी थे, यानी कि ये जो साउथ के जो एक्टर्स हैं वो हर एक को पसंद है क्योंकि मेन चीज होती है एक्टिंग। और जो है अमिताभ बच्चन का बहुत ज़्यादा नाम आ रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की और वाकई इस एज में वॉइस की अलग पावर है। और जो उनको किरदार मिला है, जो उनको करने को जो एक्ट मिला है, उन्होंने उसको भरपूर निभाया है। जितना हमने उसका टीज़र में देखा, उनके पोस्टर्स देखे, उनके बोलने का अंदाज़ देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जितने लोग देख रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जो है ना उनकी एंट्री बहुत ज़बरदस्त थी। तो मुझे भी इंतज़ार है जी ये मूवी आए तो मैं भी देखूँ यहाँ तक जो है पहुँचे। और इसके अलावा दीपिका का नाम लोग ले रहे थे, प्रभास का जो है वो बार बार सबसे जो है पूछ रही थी कि वन वर्ड, तो हर कोई ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया मूवी के बारे में और रेटिंग भी 5 दी। ये बड़ी अच्छी बात है, कोई ऐसा था नहीं जिसने कोई हेट कमेंट दिया हो या ये कहा हो कि जी थोड़ी हल्की थी या मज़ा नहीं आया या जैसी इसकी हाइप थी। और जो न्यू वर्ल्ड के बारे में भी कह रहे थे कि तो न्यू वर्ल्ड जो क्रिएट हुआ है, एक तो मतलब सोचना फिर उसको अपने विजन को लेकर आना फिर उसको सबको दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और फिर वो एक्यूरेट हो ये उससे भी बेहतरीन बात है। तो जितना हमने देखा मुझे इसके विजुअल्स वगैरह बहुत अच्छे लगे थे, बहुत मज़ा आया। और जैसे कि लोगों का रिव्यू देखा ये भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट शो का इंतज़ार होता है, बहुत सारे आए हुए लेकिन मैंने वो सिलेक्ट किया जो फर्स्ट शो है कि मतलब लोगों के क्या कमेंट है, क्या उनकी राय है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों में से कौन कौन देखकर आया और मुझे बताओ कि आप लोगों को किसका किरदार ज़्यादा अच्छा लगा, जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आया हो। जिस तरह के लोग कह रहे थे कि हम इसको बार बार जो है देखेंगे, तो आप लोगों को इसमें क्या अच्छा लगा, ठीक है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अनिशा ऑफिशियल पर मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पर। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय।